गुड्डी था। अच्छा यहाँ तू कूटेगा गिट्टी। हेलो जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अंकित कुमार और उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से और विश्व धरोहर रामायण मेरे गांव से आपका स्वागत करता हूं और आज के दिन की शुरुआत करता हूं। दोस्तों आज दोस्तों हुई है, हल लगाना है, खेत जाना है अभी और हल जाना है। उससे पहले आज आपको आज का मौसम दिखा देता हूँ और आज का अपडेट दिखा देता हूँ। आपको आज का अपडेट दिखा दिया है। आज मौसम पूरा साफ है, पूरा जिसे कहते हैं ये देखो आप, पूरा मौसम साफ है और आज तो मौसम ठीक है। और अब दोस्तों धीरे धीरे गर्म होने बैठ चुका है और लोग आजकल लगे हैं अपने खेतों में काम करने में। दो चार दिनों से लोग सारे अपने खेतों में हल लगाने के लिए, गोबर डालने के लिए लगे हैं और लोग तो लगे हैं अपने खेतों में काम करने के लिए। हम भी चलते हैं नीचे और चाय भी पीते हैं, उसके बाद जाना यार दोस्तों खेत में हल लगाने। और पापा भी आ रहे हैं आज, तो हल लगाएंगे, आपको आज का देख दिखाएंगे कि आज का कैसे कितना हल लगाना है और कौन कौन सी खेत में लगाना है। बने रहे हैं ब्लॉक में। तो आ चुके हैं किचन में और किचन में हो रही है चाय गर्म और यहाँ पर हमारी माता जी है जो हमें निकाल रही है रस। चाय पियेंगे और रस खाएँगे, उसके बाद जाएँगे दोस्तों उधर खेत में। ये चेक करें, सूर्यदेव भी आ चुके हैं, सूर्यदेव को प्रणाम। और पूरे गांव में दोस्तों उधर साइड तो नहीं आए ना अभी, मतलब जस्ट अभी 5 मिनट पहले आए दोस्तों। ये देखो यहाँ पर हमारे बैल हो गए और अभी पूरी धूप आ चुकी है दोस्तों। धूप तो आ चुकी है, अब लगाते हैं यार हल। हेलो जी, फाइनली पूरा हल लगा दिया है ऊपर से लेकर नीचे तक और लास्ट मेरा 2-3 सींग बोलते हैं हमारे घर में, तो थोड़ा सा रह रखा था तब तक ये टूट गया है। अब देखेंगे कल लगाएंगे, थोड़ा सा रह रखा था आधा सा रह रखा था, अब तो कल लगाएंगे। अब दोस्तों हल तो लगा दिया है, इसमें गोबर भी डाल रखा था, अब इसके बाद लगाएंगे दोस्तों इसमें आलू, क्योंकि अभी टाइम लगेगा आलू लगाएंगे। पहले 2-3 खेत और हैं उन पर भी लगाएंगे हल। दोस्तों इतना बड़ा खेत था, ये लगा दिया है पूरा और यहाँ भी थोड़ा थोड़ा लगा दिया था मैंने, थोड़ा बहुत यहाँ छूट रखा था और थोड़ा यहाँ भैया जी ने यहाँ हीरा और मोती ने दोस्तों ये तोड़ दिया है। ये लगता है दोस्तों यहाँ बीच में लगता है ये, और ये टूट गया है। अब इनको दोनों को वो करेंगे, आज़ाद करेंगे, उसके बाद बताता हूँ आपको। दोस्तों हीरा और मोती को कर दिया मैंने आजाद और यहाँ पे रख देते हैं इसको और कल देखेंगे कल कहाँ लगाएंगे, फिर उस वाले खेत में ले जाएंगे इसको। अभी तो बहुत हल लगानी है दोस्तों, अभी इसके बाद मैंने ऊपर काम पे जाना है, जहाँ सेब वाला वो लग रहा था वहाँ जाऊँगा और उसके बाद ऊपर दुकान में भी जाना है भैया को खाना लेके। ये है दोस्तों पहाड़ी लाइफ स्टाइल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहुंच चुका हूं घर में, अभी बैठा हूं छत में और अब इसके बाद करता हूं नाश्ता, आपको मिलाता हूं यार दोस्तों अक्षु बक्षु से। वो पहले ही हाय बोलने पे लगी, आपको मिलाता हूं अक्षु बक्षु से। ये हमारी अक्षु और ये है बक्षु। तो बक्षु क्या करेगी, तो हाय कर। तो क्या खा रही, तो अभी क्या खा रही है, आलू है, आलू खा रही ना। हाय कर अभी लास्ट एक बार और
ये आलू खा रही दोस्तों, ये देखो ये खा रही है आलू, इसको चाहिए था आलू और बॉयल करके दे दिया है आलू। और मैं भी करता हूँ यार दोस्तों नाश्ता। हेलो जी, फाइनली नाश्ता कर दिया था और लेके जा रहा हूँ बाल्टी और टब टू, क्योंकि दोस्तों वहाँ डालना है मसाला, जो दीवार थी उसके ऊपर से मसाला जाएगा, इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ टब। और भैया लोग लगे हैं रेता लेके आने पे, उधर रोड में से लाना है हमें रेता इधर लगे। दोस्तों मैं खेत में पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर छोटे छोटे नेपाली भैया के बच्चे हैं, उनसे मिलाता हूँ आपको मैं। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? यहाँ पे आगे आगे ना, क्या नाम है? क्या नाम है? आज काम पे आ रखा तू? काम काम करेगा? चलो गुड। मेरी दीदी गुड्डी अच्छा, यहाँ तू तो कूटेगा गिट्टी। दीवाले ना इस पे जाएगी पूरा मसाला, और मसाला जाने के बाद ये पैक हो जाएगा, तो पत्थर इधर उधर नहीं गिरेंगे, इसलिए वो मसाला बना रहे हैं, सारे चारों तरफ से डालेंगे, आपको दिखाते रहूँगा। डालो जितना हो सके, जितना मजबूत काम होगा उतना अच्छा होगा, फिर तुम्हें डिमांड आएगी। दोस्तों भैया जी का कहना है कि कितनी लाइनें डालनी है वर्कांस की, मैंने कहा जितना अच्छा डालोगे उतनी ज़्यादा डिमांड आती रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड में और इंडिया में पूरी, मतलब इंडिया में क्या पूरे भारत बाहर भी जाओ आप तो पूरे जगह मतलब भाई नेपाली भाई की ज़रूरत पड़ती है ऐसे काम करने के लिए, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है कुल मिला के। और दोस्तों आप कह रहे होंगे कि मैंने वो कांच क्यों डाले, उसमें हमने वो कांचे हैं दीवार में क्यों डाली, अब दोस्तों चोर नहीं आ सकते हैं अंदर, बाद में जब सेव हो जाएंगे तो चोर अंदर नहीं घुस पाएगा, नहीं तो लोग क्या कर रहे थे दीवार को जो है लांग करके इधर आ जा रहे थे और दीवार बार बार टूट जा रही थी, इसलिए हमने कहा इस बार मसाला डाल के और उसमें कांच डाल करके लोग अंदर नहीं आ पाएंगे, इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है। हेलो जी, फाइनली मैं आ चुका हूँ उधर खेत से इधर, क्योंकि वो भाई लोग लगे हैं अपने काम करने पे, थोड़ा बहुत मदद मैंने भी करी। अब यार दोस्तों जाना है घर, और घर से जाना है दोस्तों ऊपर ऊपर दुकान में, और ऐसे ही चल रहा है अभी तो, वो काम पे पेड़ लगाएंगे उसके बाद दो चार दिन बाद, पहले तो उस पर पूरी दीवार पर ऊपर से मसाला जाएगा और कांच जाएगी। कांच जाने से एक बेनिफिट यह है कि लोग बाहर के मतलब लोग अंदर नहीं आ पाएंगे, और एक बेनिफिट ये भी है कि जो जंगली जानवर रहते हैं ना वो अंदर नहीं आएंगे, इसलिए हमने वो कांच डाली है, देखते हैं कितना सक्सेसफुल हो सकता है वो, और चलते हैं पहले घर। हेलो जी, फाइनली घर पहुंच चुका हूं, थोड़ी देर पहले पहुंच चुका था, यहाँ पे धूप में बैठा हूँ, और यहाँ पे एक साड़ी थी, मैंने कहा अक्षु पे लगाता हूँ आगे, और अक्षु को सजा का बनाते हैं अच्छी सी लड़की साड़ी वाली, और आपको भी दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारी अक्षु बक्षु, और ये दादी जी, यहाँ पे ये मम्मी जी, और यहाँ पे ये नब्बू, नब्बू यहाँ पे खड़े हो, ये दोस्तों नब्बू, और हम इसको सजा के बनाएंगे आज हम मस्त वाली क्या। हाय कर, हाय कर। फाइनली दोस्तों हमने साड़ी लगा दिया है अक्षु पे, और आपको भी दिखाते हैं दोस्तों कैसे लगाई है साड़ी। फाइनली दोस्तों हमने अक्षु पे साड़ी लगा के आपको सिनेमैटिक शॉट चेक करा भी दिया है, और कमेंट्स करें कि कैसा लगा, और हमें तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, कमेंट्स करके बताएं कि अक्षु पे साड़ी कैसी लगी, और बड़ी मेहनत लगी थी और मस्त बनाया था हमने। और इसके बाद दोस्तों खाना खाते हैं, और उसके बाद जाना है दोस्तों दुकान पे, और इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला ब्लॉग भी पसंद आएगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्यों ना यार दोस्तों तुम्हारा भाई भी आगे बढ़े। लगा हुआ जो लिखता हर बात पे मिलूंगा मैं, मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के मेरी।